हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो अभ्यर्थी मेडिकल नहीं करवा सके थे, अब वो दोबारा मेडिकल करवा सकते हैं। जो किसी कारणवश कोई बीमार था, कोई कहाँ था, कोई पहुँच नहीं पाया, उनका मेडिकल छूट गया था, तो वो अब दोबारा मेडिकल करवा सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया। साथ ही पूछा, अदालती आदेशों की अवहेलना के मामले में क्यों न उन्हें दंडित किया जाए। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने यह आदेश धर्मेंद्र फुगट की अवमानना याचिका पर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 31 मई को होगी। याचिका का कहना था कि दरोगा भर्ती के शारीरिक परीक्षा के समय वह बीमार था, लिहाजा उसकी अलग से परीक्षा कराई जानी चाहिए। इस पर रीट कोर्ट ने 15 मार्च 2019 को याचिका के पक्ष में आदेश जारी किए थे। इसकी अनुपालना नहीं होने के बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस मामले में रीट कोर्ट ने 26 अप्रैल 2017 में समान आग्रह को लेकर दायर याचिका पर दिए आदेशों का हवाला देते हुए संबंधित प्रकरण में भी उसे आदेश का पालन किए जाने को कहा था। आदेश में याची की शारीरिक परीक्षा के लिए नई तिथि निर्धारित करने के साथ ही 3 सप्ताह में इसे कराने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि विपक्षी पक्षकार ने रीट कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया और क्यों न उन्हें इसके लिए दंडित किया जाए। तो कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से अध्यक्ष को कहा है कि वे खुद अथवा अपने अधिवक्ता के जरिए जवाब दाखिल करें। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।